हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बिरयानी, पुलाव या रायते पराठों के साथ खाए जाने वाली रायते की रेसिपी। बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है, तो चलिए बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम दही। ये घर का जमा हुआ दही है, होममेड दही है। तो आप मार्केट के भी दही से इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जो दही ले लिए हैं उनको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ विस्कर से, हैंड विस्कर से इनको अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ। एक काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाता है इससे। अब इनमें हम ऐड करेंगे, ये एक मीडियम साइज़ का अनियन है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो हरी मिर्च फाइनली चॉप, एक छोटा सा टमाटर फाइनली चॉप, और थोड़े से खीरा फाइनली चॉप कर लिया है। तो अब इनको ऐड कर लेंगे हम दही के साथ। तो प्याज डाल लिया, खीरा ऐड कर लेते हैं, टमाटर भी ऐड कर लेंगे और मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम मिला लेंगे। टमाटर, खीरा और प्याज का जो रायता है ये बिरयानी पुलाव के साथ बहुत बढ़िया लगता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बिरयानी पुलाव जब भी आप खाएं। मुझे पर्सनली ये पराठों के साथ भी अच्छा लगता है। मैं पुदीना पराठे के साथ यही वाला रायता बनाती हूँ। तो यहाँ पे साथ में मैंने ऐड कर लिया है नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा, काला नमक और धनिया। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और भी पतला रायता खाना पसंद है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हो। मुझे इतना ही, मतलब यही वाला टेक्सचर अच्छा लगता है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे धनिया के साथ। हमारा रायता बन करके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।